हेलो गाइज आपका बहुत बहुत स्वागत है टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट बायोमोलिक्यूल्स एन सी ई आर टी एक्सरसाइज सो लेट्स स्टार्ट वॉट आर मोनोसेकरस हम पढ़ेंगे कि मोनोसेकराइड्स क्या होते हैं अ कार्बोहाइड्रेट डेट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर टू गिव सिंपल यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन इज कॉल्ड मोनोसेकर वॉट आर मोनोसेक्राइड मोनोसेक्राइड क्या है अ कार्बोहाइड्रेट एक ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं डेट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर जो फर्दर हाइड्रोलाइज्ड नहीं होते हैं टू गिव सिंपल यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन इज कॉल्ड मोनोसेक्राइड एग्जांपल्स ऑफ मोनोसेक्राइड आर ग्लूकोज फ्रक्टोज राइबोज एक्सेट्रा अबाउट ट्वेंटी मोनोसेक्राइड्स आर नन टू अकर इन नेचर अबाउट जो ट्वेंटी जाते हैं कि वो नीचर इज वॉट आर रिड्यूसिंग शुगर हमें बताना है कि रिड्यूसिंग शुगर क्या होती हैं। ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच रिड्यूस फेलिंग सोल्यूशन एंडोलिन फ्रीजेंट आर रेफर्ड टू एज रिड्यूसिंग सुगर ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट्स जो रिड्यूस करते हैं फेलिंग सॉल्यूशन को एंटोल्स रिजेंट को उनको हम रिड्यूसिंग सुगर कहते हैं ऑल मोनोसेक्राइड्स वेदर एल्डोज और कीटोज आर रिड्यूसिंग शुगर ऑल मोनोसेक्राइड्स चाहे वो एल्डोज हो या कीटोज हो आर रिड्यूसिंग शुगर राइट टू मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट्स हमें दो मेन फंक्शन लिखने हैं कार्बोहाइड्रेट्स के प्लांट्स

चीप स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ द प्लांट बॉल। सेकेंड इज रिजर्व फूड मटीरियल दॉलीफ दिजर्व फूड मटीरियल इन मेजर रिजर्व फूड मटेरियल इन द्लाट्स इट इज स्टोर्ड इन सीड्स जो स्टार्ज है वो स्टोर होता है सीड में एंड एक्ट इफ द रिजर्व फूड मटेरियल फॉर द टिनी प्लांट और एक्ट करता है रिजर्व फूड मटीरियल फॉर द टनी प्लांट्स ट इट इज केपेबल तब तक सपोर्ट करता है जब तक अपना भोजन स्वयं नहीं बना लेता बाइंट फोर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्लासीफाई into टू and डायसेक्राइड हमें क्लासीफाई करना है कि कौन मोनोसेक्राइड है और कौन डाइसेकराइड है किन में से राइबोज, टू डी माल्टोज ग्लैक्टोज फ्रैक्टोज एंड लैक्टोज हमें इनमें से बताना है कि कौन मोनोसेक्राइड है और कौन डाइसेक्राइड है मोनोसेक्राइट्स से राइबोज, डी ऑक्सीरायबोज ग्लैक्टोज एंड फ्रैक्टोज आर मोनोसेक्राइड्स ग्लेक जो मोनोसेक्राइड्स से हैं वो हैं राइबोज टू डी ऑक्सीरायबोज ग्लैक्टोज एंड फ्रैक्टोज और जो डाई है वो है माल्टोज एंड लैक्टोज जो डाई है वो है माल्टोज एंड लैक्टोज फिफ्थ क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वॉट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वॉट ड्यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ग्लाइकोसिडिक लिंकेज द टू मोनोसेक्राइड्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय एन ऑक्साइड लिंकेज द टू मोनोसेक्राइड्स द टू मोनोसेक्राइडस आर ज्वाइंड टुगेदर बाय एन ऑक्साइड लिंकेज फार्मेड बाई द लॉस ऑफ अ बॉटर मोलिक्यूल फॉर्मेड बाई द लॉस ऑफ अ वॉटर मोलिक्यूल फार्मेड बाई द लॉस ऑफ अ बॉटर मोलिक्यूल सच अ लिंकेज बिट्वीन टू मोनोसेक्राइड यूनिट थ्रो ऑक्सीजन ऐटम इज कॉल्ड ग्लाइकोसीडिक लिंकेज सच अ लिंकेज बिटवीन टू मोनोसेक्राइड यूनिट्स सच अ लिंकेज बिट्वी टू मोनोसेक्राइड यूनिट्स यूनिट्स थ्रो ऑक्सीजन ऐटम थ्रो ऑक्सीजन ऐटम इज कॉल्ड ग्लाइकोसीडिक लिंकेज द टू मोनोसैक्राइड्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय एन ऑक्साइड लिंकेज द टू मोनोसैक्राइड्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय एन ऑक्साइड लिंकेज दो मोनोसेक्राइड्स ज्वाइन होते हैं आपस में बाय एन ऑक्साइड लिंकेज कौन सी लिंकेज बाय एन ऑक्साइड लिंकेज दो मोनोसेक्राइड्स ज्वाइंट करते हैं साथ में बाई एन ऑक्साइड लिंकेज

ऑक्सीजन एटम इसको हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं इसको हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं इसके अगले क्वेश्चंस हम अगले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे थैंक यू वेरी मच